आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड्स डस अ रेगुलर पॉलीगन इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो वी हैव टू फाइंड आउट द साइड, है ना, तो साइड्स कितने हैं, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, देखो यहां पर रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन्स क्या होता है आपका, जिसके एवरी साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल्स आर इक्वल, एवरी साइड्स एंड एवरी एंगल, आर इक्वल। ठीक है, इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, तो एवरी एंगल उसने बता दिया दैट इज 24 डिग्री, है ना, तो ये इसने दे दिया आपको 24 डिग्री। नाउ आपको निकालना है साइड्स, तो हमारा क्या होता है, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्योंकि इसने रेगुलर पॉलीगन बोला है तो हमने रेगुलर पॉलीगन लिख दिया, पॉलीगन होगा तो पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो हमारा क्या होता है, साइड इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एंगल, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, यू विल गेट 360 बाई 24। अब कट करो, तो हमने पहले किससे कट किया, 4 से, तो 4 से कट किया तो ये हमारा कितना आ गया, देखो 6 टाइम्स, और ये कितना हो गया हमारा 90, अगेन 2 से कट किया तो ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 45, है ना 45, फिर 3 से कट किया तो ये हो गया हमारा 15, दैट मीन्स योर साइड इज 15, नंबर ऑफ साइड्स जो है हमारे वो 15 है, तब हमारा ईच एंगल इज 24 डिग्री। ठीक है,